जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं आरटी टीकू जी, जो हमको थोड़ा सा बताएंगी कि यार कल अमित शाह साहब ने एक थोड़ा सा बॉम्बशेल सा फेंका पार्लियामेंट के अंदर। ऑल्दो ये बॉम्बशेल पहले भी आ चुका है, लोगों ने इसके बारे में काफी बात करी है कि जेएनके की जो हमारे पास नहीं है जो हिस्सा, उसकी सीट्स अभी भी रिजर्व्ड हैं। क्या है, कल एक बिल पास हुआ और ये बिल से काफी चीजें आगे आगे बढ़ेंगी, तो इसमें देखेंगे क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या गलतियां हैं और कैसे ये कहानी आगे चलेगी। तो पहले मैम, थैंक यू सो मच, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Thank you, Adi. It's always wonderful to talk to you and to be on your platform. Thank you, जी मैम। But just give us an introduction, मैम। ये कल हुआ क्या? Suddenly, how come this thing came out? इसका कुछ इतना talk नहीं था, कुछ भी नहीं था। Suddenly, Amit Shah साहब stands up and he announced this, and उसके बाद bill भी pass हो गया। So, how do you look at it? और उसके बाद आगे क्या होने वाला है, मैम? एक्चुअली कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग या कोई भी शॉकिंग रेवलेशन नहीं था। तो जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जो दो बिल्स लाए लोकसभा में, वो कुछ कोई नई रेवलेशन नहीं थी, कोई नई चीज उन्होंने नहीं कही। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जो कल हुआ, जो बिल्स उन्होंने लाए वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि लोकसभा में वो पारित हुए, और जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं या हिस्टोरिकल ब्लंडर्स जो अमित शाह जी ने भी कहा नेहरू जी के वजह से, जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे 1947 में, उसकी वजह से जो भुगतान पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को भरना पड़ा और भारत के लोगों को भी उस पे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी पिछले 75 साल में, वो उस ऐतिहासिक भूल को कल लोकसभा ने ठीक किया, दुरुस्त किया। तो इसलिए वो बहुत ही अहम था कल। लेकिन वो आखिर हम लोग इसको कैसे समझे कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या है और इससे क्या होने वाला है? सबसे पहली बात ये आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, याद कराना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया था कि जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो खारिज हुआ, वो नलिफाई हुआ, और उसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरे भारत में बाकी जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उसी सतह पे, उसी लेवल पे आ गया, ना कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को 1950 में मिला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसकी वजह से बहुत सारी जो मुश्किलें पैदा हुई उस स्टेट में, उसकी वजह से हमने अलगाववाद देखा, उसकी वजह से हमने आतंकवाद देखा, और उसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और आज तक जो है 33 साल के बाद भी कश्मीरी हिंदू अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। लेकिन जो बिल्स गृह मंत्री ने कल लाए वो मुझे लगता है पहला स्टेपिंग स्टोन है, पहला कदम है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो गलत हुआ, जो नरसंहार हुआ 1989 और 90 में के बीच में, वो उसको रिवर्स करने का एक प्रोसेस अगर कहीं शुरू होना था तो लेजिस्लेटिव लेवल पे, वो कल इनफैक्ट मैं कहूँगी पहला स्टेपिंग स्टोन नहीं है, दूसरा स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि पहला स्टेपिंग स्टोन 5 अगस्त 2019 को उठाया गया। उसके बाद हमने देखा कि लैंड अमेंडमेंट में बिल लाया गया, डोमिसाइल के लिए जो बिल्स लाने थे वो सब लाए गए हैं। तो लेकिन जो कल हुआ, कल ये जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर चुकी थी कि दो कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में दो सीट्स उनके लिए नॉमिनेट होगी, एक कश्मीरी हिंदू विस्थापित जो महिला है उसके लिए, और कश्मीरी हिंदू विस्थापित जो मेल होंगे उनके लिए, और तीसरी एक और सीट नॉमिनेशन के लिए रखी गई है जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज 1947 में
उस तरफ से आए उनके लिए भी एक सीट जो है नॉमिनेट की जाएगी। तो जो ये दो समुदाय है जिनके साथ बहुत ऐतिहासिक तौर पे बहुत गलत हुआ था, उनके साथ इनजस्टिस हुई थी, मुझे लगता है पहली बार जो है भारत के इतिहास में जब से हम आजाद हुए हैं उसमें एक ऐतिहासिक तौर पे इन दो समुदायों को लेजिस्लेटिवली मतलब कानूनन तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे एम्पावर किया जा रहा है। और ये पहले नहीं हुआ, 33 साल में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। सबसे बड़ी खास बात मुझे जो लगी एज अ वुमन वो ये लगी कि ये सरकार ने जेंडर इक्वालिटी पे जोर दिया और जेंडर न्यूट्रलिटी पे जोर दिया, एक प्रोग्रेसिव आउटलुक दिखाया कि सिर्फ मर्द नहीं औरतों की भी उतनी ही लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट होनी चाहिए जितनी की मर्दों की। एक तो ये बात हुई और दूसरा हमने जो बिल देखा उसमें ये था कि POJK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है वहां की 24 सीट जो है ऑलरेडी वो रिजर्व्ड है, लेकिन इससे पहले इनफैक्ट सरकार ने कुछ साल पहले ही एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खोला था, सभी जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए, वो उस तरफ से वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी आए या उस तरफ जो लोग हैं और कश्मीर से जो डिस्प्लेस हुए उन सब के लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खोला। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो उन्होंने एक प्रोविजन रखा कि जितने भी लोग 1945 या 1940 मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन जो भी डोमिसाइल उस डेट तक थे वो आज की डेट में भी उनके पास ये प्रोविजन है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें एज डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और वो वेबसाइट पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप डोमिसाइल बन जाते हैं, जैसे ही आप उस कैटेगरी जो डिस्प्लेस्ड और माइग्रेंट लोगों की कैटेगरी है उसमें आप अपने आप को डाल देते हैं, वो POJK के लोग भी है और वो कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित हिंदू भी है और कई सारे और भी जो विस्थापित हुए होंगे पिछले 75 साल में, उन सबके लिए वो प्रोविजन है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें। और जैसे ही वो रजिस्टर हो जाते हैं वो वोटिंग राइट्स भी उनके ऑटोमेटिकली उनको मिल जाते हैं, वो एंटाइटल हो जाते हैं वोटिंग राइट्स के लिए। और यही ये प्रोविजन बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये प्रोविजन पहले नहीं था, तो ये ऐतिहासिक कदम भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है कि किसी फाइनली किसी सरकार ने इन सब समुदायों के लिए जो नेहरू जी की जो शॉर्ट साइटेडनेस कहें उस टाइम या मजबूरी कहें या जो भी उनके कंपल्शंस थे, जो भी उस टाइम पे हम लोगों की उस टाइम पे उस वक्त पे जो भी सिचुएशन थी उसके वजह से नेहरू जी ने एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने ट्रूप्स को रोका और POJK उस तरफ चला गया और अभी तक ये मसला जो है सुलझा नहीं है। हमने आतंकवाद का सामना किया, इतने साल से कर रहे हैं, 30-40 साल से सामना कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान के साथ 4 जंगें लड़ी है इस पे। अगर पहले ही जंग में 47 में ही नेहरू जी ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ भारत के साथ जोड़ लिया होता तो हम ये इतना जो हमने परेशानियां देखी, इतने जो लोग विस्थापित हुए मारे गए, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान सब लोग मारे गए और सिख मारे गए, इनफैक्ट सिख भी मारे गए, तो ये ना होता। दूसरा जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने पूरे इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया और वेस्ट की नजर पड़ गई जम्मू कश्मीर पे और उन्होंने पूरा इसमें समर्थन किया पाकिस्तान का,
अमेरिका ने और इंग्लैंड ने, यूरोप ने पूरा समर्थन दिया पाकिस्तान का, जिहाद के लिए भी और आतंकवाद के लिए भी और अलगाववाद के लिए भी उनको पूरा समर्थन दिया, और उसकी वजह से कई समुदाय जो है वो रिसीविंग एंड पे रहे। उसकी वजह से मैं अभी तक मैं अपनी जमीन पे अपने घर में इनफैक्ट नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि घर नहीं है, हमें निकाला गया, हम विस्थापित हुए। वो अलग बात है कि मैं पिछले 2 साल से इनफैक्ट मैं कश्मीर में रह रही हूँ, और कश्मीर में मैं अपने रूट्स खोज रही हूँ। ये अलग बात है कि मैंने एज थर्ड जेनरेशन जो 1990 के एग्जोडस के बाद खड़े हुए लोग जो है, उनमें से कुछ लोगों में से हूँ जो वापस अपनी जमीन को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, साथ ही में नहीं होता, अगर नेहरू जी ने 370 नहीं लगाया होता, 35 से नहीं लगाया होता, शेख अब्दुल्ला को प्लेटर पे ये सब कुछ दिया, और उसकी वजह से लगातार एक हिस्टोरिकल रॉन्ग जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। और ये कल जो है अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो ये हिस्टोरिकल रॉन्ग को खत्म करने की मंशा रखते हैं और इस हिस्टोरिकल रॉन्ग को दुरुस्त करने की मंशा रखते हैं, और लोकसभा में इसे पारित किया, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये एक नया दरवाजा है कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन के लिए, ये पूरे भारत और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें भी मुझे लगता है एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई है। और तीसरा ये कि जो भी समुदाय वोटिंग राइट से वंचित थे, वो POJK में हो, वो कश्मीरी हिंदू हो, वो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हो, उन सब के जो वोटिंग राइट्स हैं वो वापस मिल गए। इनफैक्ट अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस की वजह से वो लोकतंत्र चलता है, ये वही लोकतंत्र जो है कश्मीर के जो वंचित समुदाय है उनको जस्टिस दिलवाएगा। मैम एक चीज और है जो अभी ये आपने बताया कि वो POK में जो लोग हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग हैं, अभी हाउ डू यू काइंड ऑफ इनको कैसे एंगेज करेंगे, क्योंकि उनके जो काफी सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे वो वॉर के टाइम पे, 47 की वॉर के टाइम पे, और काफी लोग इस तरफ आए थे, उन्होंने अपने लैंड के पेपर्स दे के यहाँ पर जो भी डोमिसाइल किया था उस टाइम पे, बहुत लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहते हैं, वो पूरे एरिया में रहते हैं, तो उनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे मैम, उनको कैसे आप कुछ आपको दिखता है कहीं पे प्लान की उनको किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा कि उनके उस जगह के नाम पे कोई MP इलेक्ट होगा, कि उस जगह के नाम पे कुछ किया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक इज द होल प्लान आगे जाके इसमें? जैसा कि मैंने आपको बोला, एक सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, नॉमिनेशन रिजर्व की हुई है, और वो सीट तो है ही, लेकिन अब चूंकि उनके पास वोटिंग राइट्स है, अब चूंकि वो डोमिसाइल माने जाते हैं, अब चूंकि वो अपने ही इंटरनली डिस्प्लेस तो है ही, चूंकि वो उसी कैटेगरी में वो लोगों को रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, तो वो सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और अपने मुद्दों पे लड़ सकते हैं, अपनी इश्यूज पे लड़ सकते हैं, और वो लोकसभा हो, वो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जब भी होंगे, इनफैक्ट चूंकि लोकसभा इलेक्शंस 2024 में है, ये एक्सपेक्टेशन है कि उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्शन होंगे, और सीट्स ऑलरेडी बढ़ा दी चुकी है जम्मू रीजन में। फॉर एग्जांपल जो डीलिमिटेशन हुआ उसकी वजह से, जो अगेन मैं कहूंगी, चूंकि इतने विस्थापित समुदाय जो है जम्मू में आके बस गए थे और जम्मू की उतनी सीट्स नहीं थी
डीलिमिटेशन के बाद उनकी सीट्स में इजाफा हुआ है, तो वहां पे अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी तो वो कर ही सकते हैं, अपनी अपने कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय उनका भी है, वो भी अपने इश्यूज को लेकर मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को और वो लड़ सकते हैं इलेक्शंस। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, एक नॉमिनेटेड सीट भी है उनके लिए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव की बात होती है, पॉलिटिकल नैरेटिव की, क्योंकि भारत में एक मिसनोमर है कि भाई मिलिट्री भेज दो, जगह ले लो, खत्म हो जाएगी कहानी। बट मेरा कहना बहुत अलग है कि भाई पॉलिटिकल एंड सोशल नैरेटिव के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सो डू यू थिंक इज दिस अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन? बिल्कुल, देखिए हर जो भी मसला, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर का रहा, लोग अक्सर ये समझते हैं कि इसका एक सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन है या सिक्योरिटी डायमेंशन है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि सिक्योरिटी डायमेंशन जो है वो डायमेंशन पे इतना जो एम्फेसिस किया, उसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का मसला क्रिएट ही हुआ है जो पॉलिटिकल इशू था, ऑफ कोर्स उसके बेसिस रिलीजन में थे, टू नेशन थ्योरी में था, और वो मुस्लिम लीग ने जो वो इशू क्रिएट किया और इस्लाम का इस्तेमाल किया, जहाद का इस्तेमाल किया, वो तो सच है ही है, लेकिन जो पॉलिटिकल डेप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हुई, और आप सोचिए कि 35A की वजह से कश्मीरी हिंदुओं का जो नुकसान हुआ, कि कश्मीरी हिंदू औरतों ने जो जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बाहर शादियां की तो डिस्क्वालिफाई हो रही थी एक वक्त तक, 2001-2002 तक तो डिस्क्वालिफाइड हो जाती थी, उनकी जितनी भी इनहेरिटेंस है वो सब इनवैलिड हो जाती थी, और उनको कोई भी ना एजुकेशनल, ना एम्प्लॉयमेंट, ना वोटिंग राइट्स थे। एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन था, दूसरा पॉलिटिकल लेवल पे भी आपने 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा और वो अलगाववाद का जन्म वहां होने दिया, और अलगाववाद की वजह से इवेंचुअली जो है फंडामेंटलिज्म, जहाद और उसके बाद हमने देखा आतंकवाद, और आतंकवाद की वजह से नरसंहार जो हुआ, तो आए ही सारे इशू पॉलिटिकल वेपन्स जो 370 या 35A जो है वो पॉलिटिकल वेपन्स यूज करके पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के जो एजेंट्स या प्रो पाकिस्तान का जो एक सेगमेंट जो कश्मीर में था, उसने वो सारा एक्सप्लॉइट करके पूरे जम्मू एंड कश्मीर को खराब किया। तो ये कहना कि नहीं, इसमें सिर्फ एक मिलिट्री डायमेंशन है, मिलिट्री डायमेंशन आप देखिए, आपने चार जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ी कश्मीर पे, इनफैक्ट वही जो अमित शाह जी ने कहा 1947 में ही पूरी जंग करके जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से आजाद करना था पाकिस्तान के जहाद और चंगुल से, उन्होंने अपना जो हश्र किया है उसको आप देख ही रहे, उसकी वजह से पाकिस्तान पूरा बर्बाद हुआ है। और अगर हमने उस वक्त पहली जंग में हमने ये तय कर दिया, फाइनल कर दिया होता कि जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट है और कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता, लेकिन 75 साल तक हम लोग उसी कंफ्यूजन में लोगों को रखा, और उसकी वजह से जंगें भी हुई और उस जंग से किसी का फायदा हुआ नहीं। अल्टीमेटली 1990 में नरसंहार हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, और उसमें जो डेमोग्राफिक जो चेंज आई, कश्मीर पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी होमोजेनस वैली बना, जहां पे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि कभी वो कश्मीर वो जगह थी जहां कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल थी, जहां हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते थे। और ये जब हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं, और आप देखिए कि इस मिलिट्री डायमेंशन का फायदा कितने लोगों ने उठाया, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बन गई,
सिक्योरिटी के कई सारे लोगों ने इसमें जितने भी कई सारे हमने स्कैंडल्स भी देखे, बहुत सारा इसमें करप्शन हुआ, इसमें जो पुलिस वालों ने को इंसेंटिवाइज किया गया कि आप मिलिटेंट्स मतलब पुलिस वालों को ऑफ कोर्स यू नो कैटेगरी ए बी सी डी मिलिटेंट्स की बनाई और पुलिस वालों को यही सिंपल तरीका है रिवॉर्ड लेने का और इंसेंटिव्स देने का कि सिर्फ मिलिटेंट जितने ज्यादा मिलिटेंट पैदा होंगे उतने ही ज्यादा मिलिटेंट मारे जाएंगे और उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो एक बहुत ही सर्कुलर और बहुत ही खतरनाक किस्म का एक साइकिल बना जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बहुत ही मैं कहूंगी वेस्टेड इंटरेस्ट था और उसमें फॉरेन एजेंसीज उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है उनको भी फायदा हुआ और उनके जो स्टूजेस है या उनके एजेंट्स है उनको भी फायदा हुआ और उसकी वजह से कई सारे लोगों ने इसमें पैसा कमाया। और हुआ क्या कि बहुत लोगों को इंसेंटिव मिला मिलिटेंसी क्रिएट करने का, उसको जारी रखने का और मिलिटेंट बनाने का। एक पूरा सबको इंसेंटिव मिला कि मिलिटेंट बनाते रहो, मिलिटेंट फिर मारे जाएंगे, उसमें पैसा आएगा, सिक्योरिटी का पैसा आएगा और सिक्योरिटी का पैसा लोगों को मिलेगा, इन्फॉर्मर्स को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, बाकियों को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल थिंकिंग की वजह से ये खराब हुआ। जिन्होंने ऑटोनॉमी की बात की, जिन्होंने 370 रखने की बात की, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी इन्होंने तो यही कहा था 370 हटाया जाएगा तो यहाँ तो खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, यहाँ तो इंडियन फ्लैग उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो ये सारा जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है जो जिम्मेवार है इस सब खून खराबे के लिए। और ये जो सिक्योरिटी के अंदर एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनाया वो भी इनकी वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इन्हीं कुछ चंद फैमिलीज और कुछ चंद जो पॉलिटिकल मास्टर्स है उनको मिला। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ये कहे कि ये सिर्फ मिलिट्री इशू है, बिल्कुल गलत, ये पॉलिटिकल इशू है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी और उन दोनों की वजह से कई इनोसेंट हजारों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान मारे गए, कई हजार हिंदू मारे गए, सोल्जर्स मारे गए, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये सब उनकी जिम्मेवारी है। इसलिए ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा है कंपेयर टू मिलिट्री इशू। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज ये समझना चाहिए हमको, बिकॉज एक जो नैरेटिव मैं हार्डलाइन तो नहीं बोलूंगा बट एक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एक हार्डलाइन जो नैरेटिव है कि भाई आर्मी भेज दो, कश्मीर ले लो और गिलगित बाल्टिस्तान में झंडा डाल लो, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो यू नो इट्स सो सिंपल टू से दिस, वो बहुत ही नैरो थिंकिंग है और वो ना तो जो ये लोग कहते हैं ना तो वो इतिहास समझते हैं, ना तो वो भारत का इतिहास समझते हैं, क्योंकि कश्मीर एक फाउंडेशन है इंडियन सिविलाइजेशन की। और अगर आप सिर्फ मिलिट्री से आपको लगता है कि ये तय किया जा सकता है या ये सॉल्व किया जा सकता है, तो हमने 1971 में भी, 1965 में भी, 1947 में भी, 1999 में भी पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी और उसके बाद आज आके जो है ये जो मानसिकता है अलगाववाद की, ये जो मानसिकता है जिसमें इस्लाम का इस्तेमाल हुआ, जिहाद का इस्तेमाल हुआ, ये मानसिकता जो है ये पॉलिटिकल मानसिकता है, ये उन लोगों की मानसिकता है जिनके दिमागों में अभी भी पाकिस्तान का सपना बसा हुआ है और जिनके मन में अभी भी पाकिस्तान धड़कता है। और जबकि सच तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद किया इस सारे प्रोसेस में और पूरा टू नेशन थ्योरी में उन्होंने अपने आप को तबाह कर दिया और आज की डेट में लोगों को ये सब समझ आता है। मैं तो बोलता हूँ मैम बढ़िया है, बिकॉज अगर वो हमारे साथ होते तो हमारी भी वही हालत होती, थैंक गॉड, यू नो कहीं ना कहीं ऑन अ लाइट नोट।
देखिए, नहीं, आपने वो बिल्कुल सही कही बात कि पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तानी मुस्लिम एलीट जो है वो इस अपने आप को पावर में रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे। और उन्होंने इतिहास में सब कुछ वो किया है अपने आप को पावर में रखने के लिए। अपने आप को पावर में रखने के लिए वो हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार देंगे और हजारों मुसलमानों को जहादी भी बनाएंगे। हजारों मुसलमानों, क्योंकि जहादी कौन बनते हैं? उनके अपने बच्चे तो नहीं, अपने बच्चे तो यूएस और यूरोप में मजे कर रहे हैं, वेस्टर्न लाइफ जीते हैं और फेरारीज में घूमते हैं। जो जहादी बनते हैं वो मदरसों में बनाए जाते हैं, वो मस्जिदों में बनाए जाते हैं। आपको याद होगा लाल मस्जिद का जो एपिसोड हुआ, फिर अल्टीमेट रियलाइज हुआ पाकिस्तान आर्मी को कि उन्होंने क्या मॉन्स्टर क्रिएट किया है। लेकिन यही जो कश्मीर का भी जो मुस्लिम एलीट था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो पीडीपी था, उन लोगों ने भी इसी विचारधारा की वजह से बच्चों को जिहादी बनने दिया, मिलिटेंट्स बनाए गए, उसमें मिलिटेंट्स बनते गए, मारे गए और पैसा कमाया गया। आप सोचिए कि यही लोगों ने जहादी भी बनाए, इन्फॉर्मर भी बनाए और मरवाए भी, लोग मरवाए भी, इन्फॉर्मर्स भी मरवाए और जहादी भी मरवाए और आतंकी भी मरवाए। तो ये लोग थे कौन? किसके इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनके अलगाववाद की वजह से ये सब, ये कारखाना, जहादी कारखाना चलता रहा और इन्होंने गरीब बच्चों को मरवाया, इन्होंने अपने बच्चों को विलायत भेजा, इन्होंने अपने बच्चों के करियर्स बनाए, उनको उनको पॉलिटिकली भी एम्पावर किया और उनको इकोनॉमिकली भी एम्पावर किया। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इनकी जो मुस्लिम एलीट जो कश्मीर का है, जो पाकिस्तान का है, वो सबसे बड़े परपेट्रेटर्स है, सबसे बड़े जहादी वही है और सबसे बड़े गुनाहगार भी वही है। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। आई थिंक देर इज नो बेटर वे ऑफ सेइंग इट। थैंक यू सो मच मैम, यू हैव टेकन आउट द टाइम। आपने ये थोड़ा सा समझाया। आई लुक फॉरवर्ड टू एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद यू मोर एंड मोर गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।